15 साल पुराने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में आज दिल्ली का साकेत कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में 13 सालों में 320 सुनवाई हुई हैं और आज वो दिन आ गया है जब दिल्ली की टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन और उनके परिवार को इंसाफ मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। साल 2008 में टीवी जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट आज अपना अहम फैसला सुना सकती है। तो वहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार पांडे ने फैसले के समय सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में दलीलें पूरी करते हुए 13 अक्टूबर को जजमेंट सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में पिछले 13 सालों में 320 सुनवाई हुई है। इंसाफ की आस लगाए बैठे लोगों का इंतजार भी अब खत्म होने को है और सौम्या को भी इंसाफ मिलने वाला है। 30 सितंबर 2008 की वो रात सौम्या विश्वनाथन अपनी कार से घर लौट रही थी, उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली की टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन नाइट शिफ्ट करके दफ्तर से घर लौट रही थी, तभी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में मिली थी। पुलिस का दावा है कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था। हालांकि शुरुआत में ये भी माना जा रहा था कि ये हादसा कार दुर्घटना की वजह से हुआ। तो वहीं इस मर्डर केस की सबसे खास बात यह है कि इसका खुलासा करने में पुलिस को करीब 6 महीने का वक्त लग गया। फिर मामले में पुलिस ने मार्च 2009 में हत्या के सिलसिले में 5 लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को मकोका के तहत गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस ने किसी दूसरे हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने सौम्या की हत्या की बात भी कबूल कर ली। जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी की गहनता से जांच की, जिससे पता चला कि जो मैरून कार सौम्या की हत्या के वक्त देखी गई थी उसका इस्तेमाल जिगीशा की हत्या के समय भी किया गया था। जी हाँ, इनमें से मलिक और 2 अन्य आरोपी रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगीशा घोष की हत्या मामले में भी दोषी करार दिया गया था। दरअसल पुलिस ने तब दावा किया था कि जिगीशा घोष की हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के बाद विश्वनाथन की हत्या के मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया था कि जिगीशा घोष की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी से विश्वनाथन की हत्या के मामले का पर्दाफाश हुआ। निचली अदालत ने 2017 में जिगीशा घोष हत्या मामले में कपूर और शुक्ला को मौत की सजा और मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि अगले साल हाई कोर्ट ने जिगीशा हत्या मामले में कपूर और शुक्ला की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। मलिक की उम्र कैद की सजा बरकरार रही। सौम्या मर्डर केस में 19 जुलाई 2016 को साकेत कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी की और अगली सुनवाई के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, लेकिन कई कानूनी जटिलताओं के कारण फैसले को कई बार टाला गया। लंबी कानूनी लड़ाई और तमाम सबूतों की बारीकी से जांच के बाद आज दिल्ली की साकेत कोर्ट सभी आरोपियों के खिलाफ अपना फैसला सुनाने वाली है। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।